तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकुंज सोनी और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज हमारे साथ है विभाग फ के यानी कि एफ के सभापति सरिता प्रमोद दुबे जी, यहाँ के नगर सेवक थे और यहाँ के सभापति हैं। तो आइए हम एक बार उनसे मुलाकात लेते हैं और यहाँ के लोगों का जो भी उनको तकलीफ है या क्या सिचुएशन है उसकी जानकारी लेते हैं। सरिता जी, पहले तो आपका उत्तर शक्ति टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी, आप हमको बताएं, एक्चुअली आज हम लोग भी सर्वे करने के लिए निकले थे। काफी दिहाड़ी मजदूर ऐसे हैं जो रोज मतलब कमा के रोज खाते हैं, तो ऐसे लोगों के परिवार भूखे ना रह जाए, उनके लिए प्रशासन किस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, किस प्रकार का उन्होंने तैयारियां की हुई? अभी जो राशन है, अभी हम राशन दे रहे हैं। जब राशन आने से पहले जिनका जैसे ज़्यादा परेशानी रहता था, उनको पैसा दे देते थे कि भाई आप लोग लेके जाओ, क्योंकि एक को दे दो खाना दे तो फिर ये तो है। अब्बा जी के माध्यम से जीदानी ट्रस्ट द्वारा खिचड़ी बंटवाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी लोग वाले सरकार वाले राशन दे रहे हैं जिसकी जो इतना जरूरत नहीं है। और ये लोग जो शाम के टाइम पे बाहर निकल आते हैं, आपको मालूम है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है और ये जैसे जैसे जन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे बढ़ती जाएगी, तो आप संतोष भवन की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इन लोग के बीच में जाती हूँ। अगर मैं चाहूँगी तो मुझे 10-20 लेडीज मेरे आज बाजू माजी खड़ी हो जाएंगी। मैं अपने मोबाइल द्वारा जितना भी फोन आएगा मैं उनको समझाती हूँ, फोन करके उनको भी समझा रही हूँ कि लॉकडाउन है तो आप लोग इसका बरोबर उपयोग करिए। तो प्रशासन की उनको यही अनुरोध करता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का काम ना है तो घर से बाहर ना निकले, हर गली हर नुक्कड़ पे खाने पीने की साधन सामग्री की जो भी दुकान है वो चालू है। कृपा कर आप अपनी जान को और दूसरों की जान को जोखिम में न डाले। कैमरामैन विजय गोसावी, सुरेश प्रजापति जी के साथ मैं निकुंज सोनी, उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। धन्यवाद।